हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय आर्ट क्लास। आज मैं आपको पर्सपेक्टिव पॉइंट्स के बारे में बताऊंगी, जो 1, 2 एंड 3 हो सकते हैं। उन्हीं से आप आगे नेक्स्ट जो भी ड्राइंग करोगे वो इजीली आप उसे ड्रॉ कर सकते हो। इसके लिए इसको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए हम उन्हीं को देखते हैं, पॉइंट्स को किस तरह से हम बना सकते हैं उनको। इसके लिए पहले मैं आपको कुछ समझा देती हूँ। पहले जैसे कि मेरे पास एक बॉक्स है, ये बॉक्स, इसको मैं जैसे इससे ऐसे रखती हूँ, तो हम जैसे ये इसका फ्रंट का पोर्शन ये वाला और ये बस दो साइड का पोर्शन हम देख पा रहे हैं। तो ये इसको हम 1 पॉइंट पर स्पेक्टिव में ड्रॉ करेंगे। तो चलिए हम इसको ड्रॉ करते हैं। फिर इसके लिए सबसे पहले हम एक पॉइंट रख लेते हैं, ये मैं फर्स्ट पॉइंट बता रही हूँ। ये फर्स्ट पॉइंट है। इसमें एक पॉइंट रखकर जैसे वो एक बॉक्स, वो बॉक्स इस टाइप से कुछ हमें दिख रहा था, उसका फ्रंट साइड ये दिख रहा था हमको, ये शो हो रहा था उसका, और सेकंड साइड हम उसको इस टाइप से ये हम इतना पोर्शन उसका शो हो रहा था, बस हम इसी चीज को देख पा रहे थे। ये देखिए इस तरह से हम उस बॉक्स को देख पा रहे थे। अब मैं इन्हीं इसी क्यूब को दूसरी और तरह से थोड़ा इजी तरीके से आपको थोड़ा सा बताती हूँ। इसके लिए मैं कुछ स्क्वायर ड्रॉ कर लेती हूँ, तो आपको समझने में थोड़ा इजी रहेगा। ये देखिए मैंने कुछ क्यूब्स ड्रॉ कर लिए हैं। इसमें ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, तो इसमें मैं सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पर रखती हूँ। अब जैसे कि वो बॉक्स को अलग अलग एंगल से देखने पर हम किस तरह से देख सकते हैं, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से जैसे कि मैं इसी पॉइंट पर ले आके मिलाना है, ये देखिए इस टाइप से। ये देखिए मैंने सारे क्यूब्स को एक ही पॉइंट पर ले आके इनको ज्वाइन कर दिया है। इस मेथड से आप किसी भी एंगल से अगर बॉक्स को देखते हो तो वो आपका इजीली ड्रॉ हो जाता है। जैसे मैं ये वाला देखती हूँ बॉक्स, इसका कुछ भी साइज हो सकता है, मान लेती हूँ इतना इस टाइप, और फिर इसमें इतना, इसमें ये, ये हमने कितनी ही बार ड्रॉ किए होंगे पर इस मेथड से तो शायद कभी नहीं किए होंगे, पर इस से आपको समझना इजी पड़ेगा। ये देखिए कितनी इजीली हमने सब साइड से किसी भी एंगल से हम देखें तो वो बॉक्स हमारा परफेक्ट बना हुआ है। तो ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। ये मैंने आपको बेसिक चीज़ बताई है, अभी आपको बेसिक नॉर्मली चीज़ बता रही हूँ मैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक एक पॉइंट के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगी, और ये काफ़ी ज़रूरी है बिगनर के लिए, और आगे वीडियो में हम इस पॉइंट पे डिटेल में बात करेंगे। और अब हम अपने सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो सेकंड पॉइंट में फिर से वही बॉक्स का यूज़ कर रही हूँ। अभी हमने 1 पॉइंट के लिए बॉक्स को फ्रंट से देखा था, जैसे अब सेंटर से देखते हैं तो हमें कितने पार्ट दिखते हैं, 1, 2 एंड ये 3। तो इसके हम 2 पॉइंट बनाएंगे,
ये कोई भी बिल्डिंग को जैसे हम 20 एंट्रेंस देखते हैं, तो ये उसके लिए बहुत इजी ड्रॉ होता है। सेंटर की लाइन बनाई है हमने। ये देखिए, किसी बिल्डिंग को हम बीच से देखेंगे तो वो हमें इसी तरह से दिखाई देगी। यही एंगल है जो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का जो हमें कोने से दिखाई दे रहा है। अब इसको इजीली समझने के लिए, जैसे कि ये मैं थोड़ा सा फ्री हैंड बता देती हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पे ये टू पॉइंट पर्सपेक्टिव है। अब थर्ड पॉइंट में भी आपको इसी क्यूब से मैं समझा रही हूँ। होप आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। इससे ही सब कुछ पॉइंट से ही बनाना है, हमें लाइन का यूज़ नहीं करना है, हॉरिजेंटल या वर्टिकल का भी नहीं हमें बताना है। तो जैसे हम कोई भी बिल्डिंग को, जैसे कि हम कोई भी ऊंची बिल्डिंग से जब नीचे छोटी बिल्डिंग को देखते हैं, तो इसका यूज़ किया जाता है थर्ड पॉइंट का। ये 1 पॉइंट मैं यहाँ रख रही हूँ, देन सेकेंड एंड थर्ड। और जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो इसका कुछ शेप इस टाइप से हमको दिखाई देगा। ये देखिए, ये 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। इसमें सिर्फ हम राइट की लाइन, लेफ्ट और बीच का जो पॉइंट है हमारा, बस उसे ही हम देखेंगे और ड्रॉ करेंगे। जब हम ऊपर से कोई भी बड़ी बिल्डिंग से छोटी बिल्डिंग को देख रहे होते, तो हमें जो छोटी बिल्डिंग है वो इसी टाइप से हमें कुछ नज़र आएगी। यही हमारे 1, 2 एंड 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव हैं। जैसे ये 1 पॉइंट ये हुआ, एंड सेकंड पॉइंट, देन ये थर्ड पॉइंट जिसमें हमने ये 3 पॉइंट रखे थे, ये 3 पॉइंट। इस तरह से ये हमारे 3 पॉइंट बनते हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको इन्हीं के बारे में, एक एक पॉइंट के बारे में डिटेल में बताऊंगी।